अशोक जी गहलोत ने 23 फरवरी को जो इस मांग को पूरा किया और अपने बजट में सबसे अंतिम जब घोषणा की कि 2004 के बाद के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन्हें पेंशन मिलेगी, तो ये सुनकर पूरे देश में भूचाल सा आ गया। सारे कर्मचारी जो विभिन्न प्रदेशों के हैं वो अपने मुख्यमंत्रियों की ओर ताक रहे हैं कि वो भी अब इस मांग को पूरा करें। अजमेर के समस्त कार्मिक संघों के 500 से ज्यादा कर्मचारियों का जयपुर कूच। एनपीएस हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का जताएंगे आभार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट के दौरान एनपीएस हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा सहित वेतन विसंगतियां दूर करने व कर्मचारियों की अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर राहत पहुंचाने से हर्षित राज्य कर्मचारियों द्वारा शनिवार को जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते डाक बंगले से अजमेर जिले के केकड़ी, मसूदा, ब्यावर, भिनाय, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों से लगभग 500 से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों ने जयपुर के लिए कूच किया। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के जिला मंत्री नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की बजट में की गई घोषणा से समस्त राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसके लिए राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस स्वर्णिम बजट के लिए हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता है। वर्षों से लड़ी जा रही लड़ाई के बाद आखिर संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वाजिब मांगों को मानते हुए उन्हें बजट में लागू करने की घोषणा की, जो कि एक सराहनीय कार्य है। इससे राजस्थान का प्रत्येक राज्य कर्मचारी अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा है। माननीय अशोक जी गहलोत ने 23 फरवरी को जो बजट पारित कर कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया, जिसमें से सबसे विशेष रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 के बाद के कर्मचारी थे उनके लिए लागू की, उसके अलावा वेतन विसंगतियों को पूरा करना, विभिन्न निगम और बोर्डों में सेविंग पे कमीशन को चालू करना, इन सारी मांगों को पूरा करवाने के लिए हमारे विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कई सालों से आंदोलन किए। हमने कई बार मुख्यमंत्रियों के खिलाफ नारे लगाए, हमने सरकारों के खिलाफ नारे लगाए, सरकारें आई और गई, मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने भी हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया। लेकिन अशोक जी गहलोत ने 23 फरवरी को जो इस मांग को पूरा किया और अपने बजट में सबसे अंतिम जब घोषणा की कि 2004 के बाद के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन्हें पेंशन मिलेगी, तो ये सुनकर पूरे देश में भूचाल सा आ गया। सारे कर्मचारी जो विभिन्न प्रदेशों के हैं वो अपने मुख्यमंत्रियों की ओर ताक रहे हैं कि वो भी अब इस मांग को पूरा करें। केंद्रीय कर्मचारी हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि वो अब इस मांग को पूरा करें, क्योंकि 2004 में कर्मचारियों के प्रति एक कलंक लगा था, उस कलंक को मिटाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। ऐसे में हमारा फर्ज हो जाता है कि हमने अगर किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए हैं, उनके विरोध के पुतले जलाए हैं, तो ये फर्ज हो जाता है हमारा कि अगर उन्होंने हमारी मांगें पूरी की है तो हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने जाएं, उनका आभार प्रकट करने जाएं। आज अजमेर जिले के भिनाय, केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, ब्यावर सभी तरफ से और 500 से अधिक कर्मचारी हम वहाँ जयपुर पहुँचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनका आभार व्यक्त करेंगे। इस कार्य के लिए हम आज यहाँ से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने वैसे तो सभी वर्गों के लिए इस बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है, परंतु आज सरकारी कर्मचारियों के लिए जो एक ओल्ड पेंशन की स्कीम को वापिस लागू करा है, उसके लिए पूरा कर्मचारी वर्ग इतना हर्ष में है कि चारों तरफ खुशी का माहौल है और हर कर्मचारी वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, परंतु आज सिर्फ वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वाहवाही कर रहा है।
हम काफ़ी विगत वर्षों से संघर्षरत थे और हमारी वेतन विसंगति के लिए भी बार बार उनसे निवेदन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि गहलोत साहब ने हमारे को एक बार सबको सारे संगठनों को मिलाकर एक ही बार में हमारी सारी मांगें पूरी कर दी है। इसलिए आज हम पूरे अजमेर जिला सभी ब्लॉकों से करीब 500 कर्मचारियों को लेकर साहब का अभिनंदन करने जा रहे हैं।